नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू लॉज के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हिंदू होते कौन हैं, हिंदू लॉज किस पे अप्लाई होते हैं और किस पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू शब्द की मीनिंग से। सो द हिंदू वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, इट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सिंधु, बट इन जनरल टर्म्स ऑल द पर्सन्स हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन इधर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन टू द हिंदू फेथ आर कॉल्ड हिंदू। हिंदू शब्द कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर यह सिंधु शब्द से ड्राइव हुआ है। यानी कि अगर जनरल टर्म में बात करें तो वह सभी व्यक्ति जो हिंदू रिलीजन को मानते हैं बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन, उन सभी को हम हिंदू कहते हैं। हिंदू लॉ इज़ पर्सनल लॉ, सो इट टेल्स हु इज़ हिंदू एंड टू होम हिंदू लॉ अप्लाइज़। यानी कि हिंदू लॉ जो है एक पर्सनल लॉ है, तो ये बताता है कि हिंदू किसको कहेंगे और किस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अब बात करते हैं हु इज़ हिंदू। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज, यहाँ पर हमने कुछ प्रोविज़न रखे हैं जो बताएंगे कि इन पर्सन्स को हम हिंदू मानेंगे। पहला है हिंदू बाय बर्थ, यानी कि वह व्यक्ति जो हिंदू फैमिली में बर्थ लेता है, जिसके माता पिता दोनों हिंदू होते हैं, उस व्यक्ति को हम हिंदू मानेंगे बाय बर्थ। सेकंड, हिंदू बाय कन्वर्जन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी और रिलीजन अदर देन हिंदू से बिलोंग करता है और वो कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाता है और हिंदू रिलीजन को मानने लगता है, उसको भी हम हिंदू मानेंगे। थर्ड आता है ब्रॉट अप एज हिंदू, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू हो और दूसरा व्यक्ति किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करता हो, पर उसका ब्रॉट अप यानी कि कह सकते हैं हम भरण पोषण जो हुआ हो वो हिंदू रिलीजन की तरह हुआ हो, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हुआ हो, उसको हम हिंदू कहेंगे। फोर्थ पॉइंट है हिंदू बाय डिक्लेरेशन, यानी कि वह व्यक्ति जो खुद को डिक्लेयर करके अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि आज से वो हिंदू प्रोफेस को मानेगा, हिंदू रिलीजन को मानेगा और आज से वो खुद को हिंदू मानता है, उसको भी हम हिंदू मानेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कहता है टू होम हिंदू लॉज अप्लाई। तो इसमें बेसिकली हमें तीन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, हिंदू बाय रिलीजन। सेकंड, हिंदू बाय बर्थ। और थर्ड, दोज पर्सन्स हु आर नॉट मुस्लिम, पारसी, ज्यूज एंड नॉट गवर्न बाय एनी अदर लॉज। हिंदू बाय रिलीजन को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बॉर्न हिंदू और दूसरा हिंदू बाय कन्वर्जन। यानी कि बॉर्न हिंदू, एनी पर्सन हु इज़ हिंदू, जैन, सिख और बौद्धिस्ट बाय बर्थ आर कंसिडर एज हिंदू बाय रिलीजन। यानी कि वह व्यक्ति जो जन्म से ही हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट हो, उसको हम हिंदू बाय रिलीजन कंसिडर करेंगे और उन लोगों पर हिंदू लॉज अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं हिंदू बाय कन्वर्जन। सो हिंदू बाय कन्वर्जन, एनी पर्सन हु बिकम्स हिंदू बाय कन्वर्जन आर ऑल्सो कंसिडर एज हिंदू बाय रिलीजन। यानी कि वह व्यक्ति जो किसी और धर्म से, यानी कि जो मुस्लिम, पारसी, ज्यूज जैसे धर्मों से बिलोंग करते हैं और जो कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाते हैं, उनको भी हम हिंदू बाय रिलीजन से हिंदू मानेंगे और उन पर भी हिंदू लॉज अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं हिंदू बाई बर्थ की। हिंदू बाई बर्थ को भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, बोथ पेरेंट्स हिंदू एंड वन पेरेंट हिंदू। पहले हम बात करते हैं बोथ पेरेंट्स हिंदू की। तो एनी पर्सन हुज बोथ पेरेंट्स आर हिंदू एंड हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन, यानी कि वह व्यक्ति जिसके दोनों ही पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों ही हिंदू हों और जो हिंदू धर्म को मानते हों, ऐसे व्यक्ति को हिंदू बाय बर्थ मानेंगे। अब बात करते हैं वन पेरेंट हिंदू, यानी कि एनी पर्सन
हुज फादर और मदर इज़ ए हिंदू एंड द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप एज हिंदू, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति हिंदू हो, वही दूसरा व्यक्ति किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, पर जो बच्चा है उसका भरण पोषण यानी कि ब्रॉट अप जो है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हुआ हो, हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ हो, तो उसको भी हम हिंदू मानेंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम बात करेंगे संजय दत्त की। जैसे संजय दत्त जी के पिता सुनील दत्त हिंदू हैं और माँ नरगिस जो मुस्लिम थी, पर संजय दत्त का जो ब्रॉट अप था, भरण पोषण था, वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हुआ, इसलिए संजय दत्त हिंदू कहलाएंगे और उन पर हिंदू लॉज अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एनी पर्सन नॉट गवर्न बाई एनी अदर लॉज, यानी कि एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बाई रिलीजन, ए क्रिश्चियन बाई रिलीजन, ए पारसी बाई रिलीजन और ए ज्यू बाई रिलीजन एंड हु इज़ नॉट गवर्न बाई अदर लॉज विल ऑल्सो कंसिडर एज हिंदू, यानी कि वह व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी और जो किसी दूसरे लॉ से गवर्न नहीं होता है उसको भी हम हिंदू ही मानेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, टू होम हिंदू लॉज डू नॉट अप्लाई, यानी कि वह व्यक्ति जिन पे हिंदू लॉज अप्लाई नहीं होते। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, एनी चिल्ड्रन हुज़ वन पेरेंट इज़ हिंदू एंड अनदर पेरेंट इज़ अदर देन हिंदू लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू एंड द चिल्ड्रन नॉट ब्रॉट अप एज हिंदू, यानी कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू है और वहीं दूसरे व्यक्ति जो है वो हिंदू नहीं है, यानी कि वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू में से कोई एक है, और उस बच्चे का भरण पोषण जो है, ब्रॉट अप जो है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से हुआ है, तो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को हम हिंदू नहीं मानेंगे और उस पर हिंदू लॉज अप्लाई नहीं होंगे। अगर इस पॉइंट में हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल लेंगे सलमान खान का। जैसे कि सलमान खान के पिता सलीम खान जी एक मुस्लिम हैं और सलमान खान की माँ सुशीला चारक एक हिंदू थी, पर सलमान खान का ब्रॉट अप यानी कि भरण पोषण जो था वो मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से हुआ, मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ, तो सलमान खान को हम हिंदू नहीं मानेंगे, मुस्लिम मानेंगे और उन पे हिंदू लॉज अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, एनी हिंदू हु कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इन एनी अदर रिलीजन अदर देन हिंदू रिलीजन, यानी कि वह व्यक्ति जो पहले हिंदू था पर वह अपने आप को हिंदू रिलीजन से किसी और यानी कि हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है तो उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपनी नई वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लॉ गुरु और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि कि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।